ओए पागल हो गया है क्या? चाचा चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप वो के। हीरो हीरो क्यों गाने की धुन से धुन मिला रहा है तू? चाचा गाने की दुम से दुम नहीं, सुर से सुर मिलाते। इसका मतलब है कि अब फिल्में भी देखने लगा है तू? अरे नहीं, फिल्में कहाँ चाचा। खाना खाया तूने? तू होश में तो है? खाना तुझे होटल से लेके आना था। हाँ ले आया, अंदर रखा है मैंने। कासू तू ठीक तो है? तकरीबन। अच्छा ये बता, तू अपनी चाची को पैसे देकर आया या कहीं? दे आया चाचा, परसों आ जाएगी। चाचा तैयब कहाँ गया? अपने गांव गया है भाई। अच्छे लोग। पहले तो तुझे जबी भी कभी उसने अपने काम के लिए कहा तो तू बहाने बना के भाग जाता था। हैं? अब मैं उसके घर के सारे काम कर दूंगा। आएगा कब? पता नहीं कब आएगा, वैसे दिल नहीं लगता मेरा उसके बगैर। दिल तो मेरा भी नहीं लगता चाचा। खैर तू बैठ, में तेरे लिए खाना गर्म करके लाता हूं। चंदा तोरी चांदनी में। पता नहीं आज सूरज किस तरफ से निकला है। दे दे यार। होश करो, पहले कासू को बुला के ला, डब्बा वही खोलेगा यार, वो मारेगा बहुत। तो क्या हुआ, मार खा लेना, तूने हरकत भी तो ऐसी की थी। वो आ गया मेरा यार। आजा आजा कासू, ये मिठाई। और ये? और ये किस खुशी में? जेदे की नौकरी लग गई है। और ये लगता है अता पता मिल गया है। चुप कर यार। कासू क्या सच? नहीं यार, बहुत दिनों से आया नहीं था, मैंने सोचा चलो मिठाई लेके चलता हूं। कहाँ नौकरी मिली है? टैक्सी चलाऊंगा। ड्राइवरी मिली है? मैं भी टैक्सी चलाऊंगा। नौकरी है नौकरी, किसी के बाप की टैक्सी नहीं है। मालिक को जवाब देना पड़ेगा, समझा? करूंगा नौकरी। कासू कासू, तेरी तबीयत तो ठीक है, शायद तू समझ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा बकवास बंद कर यार, चल कासू तुझे टैक्सी की सैर करा के। होश करो खरगोश। बस समझो हम ही दोनों हैं कासू के। माँ बाप तो उसके बचपन में मर गए थे, अभी जब मेरी बच्ची मर गई तो हम दोनों ने अपनी उम्र उस पर ही लगा दी। कासू के बाप ने तीन मोहम्मद को पाला भी था और हमारी शादी भी उसी ने कराई थी। कासू तो उसको अपना बाप ही समझता है। वैसे बेटा अगर ये दुख ना होते जिंदगी में क्या रह जाता? चाची मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी नाम ही दुखों का है। अरे बेटा जिंदगी में खुशियां भी तो होती हैं। पर आए नाम बस इतनी कि आदमी उसकी एक झलक देख पाता है, फिर न जाने कहाँ गायब हो जाती है। अल्लाह तेरे जिंदगी में हजारों खुशियां दे, ऐसी बातें क्यों करती है? बस दुआ किया कर, यही काम आती। चाची क्या दुआएं कबूल होती है? हाँ बेटा, कबूलियत की घड़ी हो तो सब कुछ मिल जाता है। तुम दुआ करके तो देखो। कौन? मैं हूँ चाची कासू।
पास हुआ था दादा। ये अल्लाह खैर, ये सब कहाँ से आ गए? आ बेटा कासू, खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है चाची। मैं यहां से गुजरा था, मैंने सोचा पूछ लूं, सब ठीक है ना? ये आजकल तुझे हमारी इतनी फिक्र क्यों रहती है? अरे नहीं चाची, हालात ठीक नहीं, फिर तुम दोनों अकेली हो। दूसरा याद आया, चाचा ने कहा था पूछ के आऊं चाचा तैयब कब आ रहे। कल आ जाए। ठीक है चाची, मैं चलता हूँ, बस यही पूछना था। खुदा हाफिज़। ये दरवाजा लगा लो। बड़ा पागल है। अच्छा मैं खाना लेके आती हूँ। वाकई चाची, तो हमें बड़ा असर होता है। यही तो मैं कह रही हूँ, दुआ में बड़ा असर होता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने घर जाओगी और अपनी माँ के साथ रहोगी। वही तो। कमाल करता है यार, हर वक्त अपने आप को हवा के घोड़े पर सवार रखता है। अभी आया अभी गया। क्या करूं यार, बेकरारी पांव से लिपटी हुई होती है, चैन से बैठने नहीं देती। और हां, कैसी दोस्ती है तेरी, जो बात मेरे और तुम्हारे दरमियान होती है वो दूसरों तक कैसे पहुंच जाती है? मुझे नहीं पता कुछ हबीब खान, मैं तेरे से सही कह रहा हूं यार। तो फिर ये बात मेरे बाप तक कैसे पहुंची? हबीब खान, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, फिर गुलाम अहमद से पूछना पड़ेगा। तू बचपन का दोस्त है ना, इसलिए दिल खोल देता हूं तेरे सामने। मैं दोस्ती निभाना जानता हूं हबीब खान, जान दे दूंगा लेकिन जबान नहीं खोलूंगा। और मैं तो खुद चाहता हूं कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाए। सुन हबीब खान, देख प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तू एक काम कर, उसकी मां से पूछ, उसे धमका। ये सब मालूम है मुझे, सब मालूम है। देख, ये दिल का मामला है और मैं चाहता हूं कि ये प्यार से ही सुलझ जाए तो अच्छा है, वरना जिस दिन मेरा दिमाग फिर गया तो। मैं जानता हूं यार, चला। ठीक कर दिया तैयब भाई। तैयब भाई, आपको यहाँ गाँव पे नहीं आना चाहिए था। अमीदा मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चली चलो। अब यहाँ रह क्या गया है? नहीं तैयब।